लुधियाणा दे विच इक वार फिर तो दिल दहला देने वाली वड्डी खबर सामने आई है, जिथे कि सलेम टावरी थाना खेतर दे विच एक प्यो ने अपने 20 साल सौतेले बेटे का बेरहमी दे नाल कतल कर दिता है। उस तो बाद बेटे की लाश ते हथ पैर बन के प्लास्टिक दे ड्रम दे विच सुट के सीमेंट दे नाल उस उत्ते प्लस्तर कर दिता है ताकि किसी नूं शक ना होवे। मृतक की मां गीता ने फिलहाल पुलिस नूं शिकायत की सी ते कहा है कि पहला पति की मौत तो बाद उसने दूजा विआह विवेकानंद मंडल कर लिया सी ते उसे पहले पति तो उसका एक बेटा पीयूष सी जिसकी उम्र 20 साल की दसी जा रही है ते उसे दे नाल रहिंदा सी। अपने सुतेले पिता दे नाल झगड़ा करदा सी ते ऐसे रंजिश दे चलदे कही सुनी हुई ते पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी है। मां आखती है कि बेटा 5 दिसंबर तो घरों गायब सी ते इस बारे अपने पति तो उसने कई बार पूछया पर उस नूं गुमराह करता रहा। इत्थे ही शक होया कि किराए दे मकान की जो छत ते गई तो उस नूं एक ड्रम मिलिया ते वह उस ड्रम दे विचों जो वेख्या जाता है तो उस विचों बहुत ज़्यादा बदबू आ रही सी, जिते आस पास के लोगों नूं भी जानकारी दी गई तो ड्रम तोड़ के वेख्या गया तो लड़के दे अंदरों लाश बरामद हुई है। इस तों बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस नूं दी गई, फिर मौके ते सलेम टावरी थाने पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसीपी मनिंदर बेदी ने दसाया कि ड्रम के 20 साल पीयूष की लाश मिली है जिथे कि पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल उसू भेज दिता है। कहा कि लाश जी है उसू कब्जे च लैके आरोपी के पिता की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, जो कि जानकारी मिलने तो बाद पुलिस को पता लगन तो बाद कि फरार चल रहा है। सविता देवी, हमारे घर वाले से लड़ाई हुई थी, 2-3 तारीख था उतना मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैं एक दिन घर में सोए रह गए, वो कहीं और चला गया, वो इधर रहता था, हम दूसरे जगह रहते थे दुकान पे, हमारा बेटा वहीं रहता था। उसके बाद इससे लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने मुझे मारने लग गया, गाली गलौज दे रहा था तो मैंने बेटा को बोले थे फोन करके मुझे गाली दे रहा है। बेटा मेरा आ गया मेरे को, कितनी उम्र थी बच्चे की? 20 साल का था। तो जो पिता था वो अपना ओरिजिनल पिता था या दूसरा पिता था? नहीं, हम देवर के साथ रहते थे, आज 20 साल से रह रहे थे, 3 साल अपने घर वाले के। देवर है आपका पति था? हाँ जी। आपने दूसरी शादी कराई थी? हाँ जी। तो पहला घर वाला कहाँ था? वो घर में थे, वो उसका भी डेट हो गया है, 2.5-3 साल हो गया। अच्छा, उसकी डेट होने के बाद दूसरी शादी कराई? नहीं, मैं पहले उनके साथ मैं सिर्फ 3 साल रहे थे, मेरा बच्चा था 1 साल का, जब ही मैं इसके साथ रह रही हूँ 20 साल से। कितने बच्चे थे आपके? 2 ही बच्चा, 1 बच्चा मेरा पागल है। आपको कैसे पता लगा भी ड्रम में है बच्चा? आज हम 9 तारीख को मैं लड़ाई हुआ था ना, मैं चली गई थी बहन के घर, मेरा लड़का एकेडमी जाता था मैथ सीखने के लिए, जब मैं सोचे मैं चली गई थी गुस्से से बहन के घर, उसके बाद उसने फोन वोन किया था 1-2 दिन, 5 तारीख के बाद उसका कोई फोन नहीं आया, 6 तारीख सुबह में फोन आया कि उसका सर, वो बोला बाबू बोला जहाँ काम करता था, बोला पीयूष आया नहीं है काम पे, तो मैंने बोले फोन कीजिए, बोला पीयूष का फोन आ पा रहा है, तो मैंने बोले सर मैं भी लगाऊंगी तो मेरा भी तो ओपी आएगा अगर आ पा रहा है, तो उसने बोला मैं टीका तोड़ी लिया हूँ, आप आस पड़ोस से पूछ लो कहीं किसी का नंबर होगा ना, तो मैं तुरंत बगल में फोन किए, तो फिर उसको ढूंढने के लिए गया तो इधर से भी बंद था उधर से भी बंद था, फिर जिसने लगाया था मेरे लड़के को काम पे मैंने उनको कॉल किए कि पीयूष काम पे नहीं है, स्विच ऑफ है कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उसके पापा ने बताया कि पीयूष कहीं का मैच लगा है, पीयूष मैच चला गया है, वहाँ से वो दिल्ली चला जाएगा। तो मैं 3-4 दिन गुस्से के मारे बहन के घर रुक गए, टेलीफोन ट्राई करते रहे। कब पता लगा आपको? जब मैं वहाँ से 9 तारीख को आया ना, तो 9 तारीख को जब वहाँ से आए तो फिर मैंने रात में पूछे, रात को आए थे तो मैंने बोले कि पीयूष कहाँ गया है, उसके पापा से बोले, मैंने पहले गुस्से से उसके पापा से बात नहीं कर रही थी, मैंने दूसरा इसे फोन करके पूछती थी पीयूष के बारे में, तो फिर उसने मैं रात को 9 तारीख को आए तो उसको पूछे तो वो बोला पता नहीं कहाँ गया है, मुझे बोल के नहीं गया है। 5 तारीख को लापता हुआ था ये 5 तारीख को रात को लापता हुआ है, 6 तारीख को उसके बाद
बाबू का मेरे पास 9 बजे कॉल आया। तो ड्रम में कैसे पता लगा भैया ड्रम में? मैंने उस दिन से सर उसके पापा जिस तरह का रिएक्ट कर रहे है ना उसके हिसाब से मैं उसके ऊपर शक डाल रहे थे। तो मैंने ना अपना बेड उड सारे जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं इससे लड़ाई हुआ था, इसने तो कुछ नहीं कर दिया लड़के को। तब मैंने वहाँ भी अपने जहाँ रहती हूँ वहाँ भी मैं बेड उड सारे चेक किए, अनमारी बेड बक्सा ट्रंक सारे कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। यहाँ भी हम 3-4 दिन पहले आके नीचे मेरा किरायादार है, यहाँ मैंने ताला तोड़ी, इसका भी बेड उड किरायादार यहाँ नहीं रहते हैं, बंद करके कहीं और रहते हैं। यहाँ भी मैं ताला तोड़ के देखे उसका बेड उड सारे, कहीं नहीं मिला मेरा लड़का। कहाँ मिली डेड बॉडी? फिर मेरा आज मेरे को नहीं रहा गया, सब बोल रहे कहीं चला गया। आज मैं फिर वहाँ से अपना दुकान बंद करके सुबह मैं बोले मैं अपना ऊपर बेड चेक नहीं की हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ चेक करती हूँ, तो मैं ऊपर में मेरा ये कमरा है तो मैं ऊपर का भी चाबी मेरे पास नहीं है वही लेके गया है। तो मैंने ताला तोड़े, किसी को लेके आए ताला तोड़े, तो मैंने बेड देखे तो बेड में भी नहीं है। फिर हम दोनों बहन ऊपर चढ़े छत पे चढ़े, उधर एक पुतला है, फिर मैंने ऊपर से किसी को भेजे वो पुतला को देखिए तो हिला के, तो पुतला खाली था। उसके बाद वो वहाँ पे होता है टेंकी है, मैंने टेंकी को खोल के देखे तो नहीं मिला। फिर कोने में ड्रम देखे तो ड्रम के ऊपर ठंडा का ट्रे सब रखा था, उसके ऊपर शीशा लगाया हुआ था। जब शीशा लगाया देखे तो उसमें प्लास्टर किया हुआ था, तब मैं जान गई मेरा बेटा को इसी में दे दिया। मैंने दो बंदे से टसक नहीं रहा था, फिर उसको किसी तरह ड्रम को गिराया तो उसका सीमेंट निकाले, फिर खोदे तो मेरा बेटा का स्वेटर बाल सब सड़ा हुआ। छानबीन हो रही है, बड़ा तो अफसर भी आ रहे ने, मौके ते फरार है जी, फरार ते उन्हां दी मम्मी ने दस्सिया तुहानू। हांजी हांजी पीयूष नाम दा लड़का जी, माइग्रेंट हैगे ने, बेसिकली दे आर फ्रॉम बिहार, इत्थे अपने मकान इन्होंने बनाया था, ਆਪਾਂ ਪੱਟੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਰੰਮ ਹੈ, ਡਰੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਰੋਟਨ ਹੈ, ਗਲੀ ਸੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਾਕੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਸਤੇਲਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਸਤੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਓਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਦਿਓਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।